गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार, जुलाई से दौड़ेंगे वाहन। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और एसीएस अवनीश अवस्थी आज शनिवार को दिन में गाजीपुर आए। उन्होंने बताया कि ये कार्य समय से पहले पूरा होगा। 95% काम पूरा हो गया है। कोविड संक्रमण के चलते कुछ काम नहीं हुआ था, वो भी आगामी 10 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। आज दिन में 1 बजे गाजीपुर के कासिमाबाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुआयना करने पहुंची सतीश महाना का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 95% पूरा हो चुका है और जल्द ही इस पर वाहन फर्राटा भरेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और घूमकर सड़क का निर्माण कार्य भी देखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण की करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी गाजीपुर मंगल प्रसाद सिंह, एसपी डॉक्टर शून्य ओम प्रकाश सिंह के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय लोगों की समस्या भी सुनी और निदान का भरोसा भी दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 95% कार्य पूरा हो चुका है, 10 जुलाई तक बाकी के काम भी पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये सड़क पूर्वांचल के लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। अब इस सड़क के बन जाने के बाद काफी मात्रा में उद्योग धंधे लगेंगे और इससे रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। बाइक सतीश महाना, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। कार्य निरीक्षण करने के लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुझे बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि जो निर्धारित समय था उसके पहले बहुत सारे पैकेजेस ने अपना काम समाप्त कर दिया। मेन कैरेज वे लखनऊ से लेकर यहाँ तक 30 तारीख को हम लोगों को पूरा कर लेंगे। छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, क्योंकि उस पर चलते रहेंगे छोटे मोटे इशूज, तो उनको भी प्रयास करेंगे कि हर हालत में मिड जुलाई तक वो भी एंड हो जाए। मिड जुलाई तक ये हैंड ओवर करने की स्थिति के अंतर्गत होंगे। मुझे इस बात को कहते हुए सुनता है कि एक लाइफ लाइन साबित होगी पूर्वांचल के लिए। बहुत सारी योजनाएँ जमीन के ऊपर तो बन जाती थी लेकिन पूरी नहीं होती थी। ये इस योजना को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, जो भी वो निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से इसका लोकार्पण भी जनता के लिए समर्पित करेंगे। पहले लखनऊ से यहाँ तक आने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि हम 8 घंटे से पहले बाहर उड़ा सकते थे। आज 3 घंटे के अंदर लखनऊ से व्यक्ति यहाँ से, उसके कारण यहाँ की जो इकॉनमी है, यहाँ के जो लोगों के लिए जो अपेक्षा बरसों तक जो पिछड़ा क्षेत्र था, उस पर एक बूम मिलेगा प्रगति की और हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस इंडस्ट्रियल, क्योंकि ये यूपीडा के द्वारा बनाया जा रहा है, मुझको मालूम है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पर इंडस्ट्रियल जुड़ जाता है तो वहाँ पर इंडस्ट्री को भी जोड़ना होगा। पहले इस प्रकार का होता था कि यूपीडा बने हुए तो बहुत साल होते थे, इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं सोचा जाता। हमने जिलाधिकारी की अपेक्षा करी है कि जहाँ पर हमारे रैंप उतरते हैं, जहाँ पर उतरने चढ़ने का विशेष रूप से, उसके पास आसपास जितनी भी ज़मीन हमारे को मिल सकती है मैक्सिमम, हम उस ज़मीन को लेकर उसको चिन्हित करें और वहाँ पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल पार्क कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम तेज़ी से काम करेंगे। जैसे ही ये पूरा हो जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी इस एक्सप्रेसवे के किनारे लखनऊ से लेकर यहाँ तक हर स्थान के ऊपर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ज़मीन को एक्वायर करके, जो भी उसकी औपचारिकता, उसको पूरा करके हम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, वैसे भी पूर्वांचल के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि लोगों को यहाँ पर उसको प्रमोट कर सके, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते थे। लेकिन ये एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद हमें आशा और विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क करना शुरू किया कि जिन्होंने कहा कि हम इस तरह की इस क्षेत्र में भी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार होगा तो इकोनॉमी का स्वाभाविक रूप से बूस्ट मिलेगा। इस नाते से मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेस हाईवे लगभग पूरा हो चुका है, जुलाई तक इसको जनता के लिए समर्पित कर देंगे। सरकार कितना परसेंट मान लेगा? परसेंटेज वाइज अगर ओवरऑल परसेंटेज माना है तो 95% से ऊपर काम हो चुका है। सर बलिया एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे कब
और उसके ऊपर भी जल्दी काम प्रारंभ करेंगे। जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का एक सवाल था तो मैं सोचा आपके सामने रख दे रहा हूँ। यहाँ सर चढ़ने के लिए एक्सेस के लिए कासमाबाद में एक भी जगह नहीं दी गई। लोगों का कहना है कि हम जब इतना बलिदान किए सर और तहसील भी है यहाँ पे, अगर इस प्रकार के कोई पॉइंट्स मिलते हैं जिनको किया जा सकता। अभी हम बहु में एक घोषणा कर दिया मैंने अगर वहाँ पर जरूरत है तो आप उसका प्रस्ताव भेजो तो उसको भी देख लेंगे। थैंक यू सर। एक इसके निर्माण से जो लोकल सड़कें टूट गई हैं सर, काफी दुर्दशा आने जाने का, सब पूरा फिट करेंगे। थैंक यू।